इस फिल्म में अभिनेता कुछ दृश्यों में मास्क नहीं पहने हुए हैं, यहां उन्हें कहानी के अनुसार पहनना आवश्यक है। ये रचनात्मक स्वतंत्रता दर्शकों को बिना किसी बाधा के अभिनेताओं के प्रदर्शन का पूरी तरह से आनंद लेने के उद्देश्य से ली गई है। पूरी फिल्म निर्माण के दौरान कोविड के उचित व्यवहार और सभी आवश्यक सावधानियों का पालन किया गया है। अभिमन्यु प्रताप, मिस्टर अभिमन्यु प्रताप, दिस इज योर लास्ट चांस। यस सर। यू फेल्ड इन लास्ट थ्री अटेम्प्ट्स, राइट? यस सर। आप पंचायत सेक्रेटरी थे फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक, सिर्फ दो महीने के लिए। व्हाई डिड यू लीव द जॉब? सर, आई वाज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड? What reason? Gross negligence on duty and misuse of my official powers. आप भूलनपुर विलेज के पंचायत सेक्रेटरी थे, बट अंडमान विलेज। यस सर। अंडमान विलेज, ग्राम प्रधान झल्लू मुशर का गांव। यस मैम। और उसी भूलनपुर गांव में जो क्वारंटीन सेंटर था, उसके भी इंचार्ज आप ही थे, और आप ही की देखरेख में वहां एक डांस परफॉर्मेंस हुई थी जिससे करीब 20 लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी और दो लोगों को अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ा। मिस्टर अभिमन्यु प्रताप, आपने जो कुछ भी किया वो एक सीरियस क्राइम से कम नहीं है, और फिर भी आपको लगता है कि आप एक सिविल सर्वेंट बनना डिजर्व करते हैं। यस सर, आई डेफिनेटली डिजर्व। बोर्ड एग्जाम में स्टेट टॉपर, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल, आईएएस के पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू में फेल, सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस में फेल। योर सन इज फिनिश्ड। कुछ नहीं होने वाला है, जाएं जाके किसी गांव में पंचायत सेक्रेटरी की कुर्सी संभालें जाके। I'll be posted in Mumbai. IAS बनना तो दूर, मैंने तो कभी PCS बनने का भी नहीं सोचा था। I owe it to you. सचिन के फैमिली वाले आए थे। I'm getting married. मैंने हमेशा तुम्हें खुद से ऊपर देखा है, खुद से नीचे कैसे देख पाती भला? Say something. Your silence is more painful. Second attempt में mains में फेल, जाएं जाके किसी गांव में पंचायत सेक्रेटरी की कुर्सी संभालें जाके। I'll be posted in Mumbai. I'm getting married. Your son is finished. He just knows what he's doing, Shane Watson. He has a gut feel about the batsman. And Australia have two. विकेट बचाना है, मकसद ये है कि पिच पर टिके रहो। Watson has another. Has he timed as well enough?
वाह बेटा, इधर भी लाइव है, इधर भी लाइव है, हर तरफ लाइव है। कोई डूब रहा है। रन क्यों मार रहा है यार? दोनों विकेटों के बीच में रफ्तार चाहिए, रफ्तार। धीरे पड़े तो रन आउट हो जाओगे। T20 वाले को जानते हो तुम? खैर तुम क्या समझोगे? हो गया मैच खत्म। बकवास। T20 की समस्या ही है, खिलाड़ी लोग पिच पे टिकना ही नहीं चाहते। बॉल आ गई बैट पे तो चौका, नहीं तो जय श्री राम, आउट। अच्छा खिलाड़ी मालूम है कौन होता है? जो हारे हुए मैच को पलट दे समझदारी के साथ, पिच पे टिका रहेगा, उसको मालूम है कौन से बॉल को छोड़ना है और कौन से बॉल को तोड़ना है। क्या हुआ सचिव? बड़ी जल्दी निकल ले रहे हो? बुरनपुर जा रहा हूँ ग्राम प्रधान से मिलने, बताइए कुछ काम है? हाँ, हमको लगा था तुम सोच रहे होगे इतने दिन हो गए अभी तक ग्राम प्रधान से मुलाकात नहीं हुई। हम ग्राम प्रधान के बड़े भाई हैं। आप झल्लू मुशार के भाई हैं? यार सचिव तुम बड़े अजीब आदमी हो, हम तुमको झल्लू मुशार के बड़े भाई दिखते हैं? हम जमींदार लोग हैं, जमींदार तो समझते होगे ना। भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख दिग्विजय सिंह के बड़े बेटे रणविजय सिंह बहुत जल्दी MLC बनने वाले हैं। ये अर्धानी प्रधानी तो हमारा छोटा भाई देखता है। आपको कुछ गलत फहमी हुई है, भूदनपुर के ग्राम प्रधान झल्लू मुशार। अरे यार, झल्लू हमारा नौकर है। इस बार हरिजन सीट थी ना, इसलिए उसको खड़ा किए थे। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? भूलनपुर ग्राम प्रधान झल्लू मुशार से कुछ काम की बात करने। भूलनपुर नहीं, अंडमान पूछना, नहीं तो पहुंच नहीं पाओगे। भैया मेरा भूलनपुर जाना है। भैया वो अंडमान, अंडमान 2 किलोमीटर आगे थी। दादाजी अंडमान जाना है। अकेले हो? जी हाँ। 70 रुपए लगेंगे। दादाजी मेरे पास मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल नाव से नहीं जा सकती, मुझे पुल वाले रास्ते से जाना है। 60 साल में पुल देखा नहीं हमने। फोन में तो दिखा रहा है पुल। फोन वाले ही रास्ते से चले जाइए। का देख रहे हैं, नदी पार करने के लिए 65 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा।
भैया, अरे भैया, ये ग्राम प्रधान जी से मिलना है। ग्राम प्रधान शहर में मिलेंगे। ग्राम प्रधान झल्लू मुसहर से मिलना है। है? ग्राम प्रधान झल्लू मुसहर से मिलना है। ग्राम प्रधान यहाँ नहीं है, झल्लू मुसहर हमारा नाम है। आपसे कुछ बात करनी है। हमसे? जी। रुको, आ रहे। हाँ सचिव साहब, दुनिया तो बदल रही है, लेकिन वो नदी है क्योंकि उस पार हम लोग तो उस पार पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन आजकल तो गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी योजनाएं बनाई गई। हम लोग तो पहले से ही आत्मनिर्भर। गांव में एक स्कूल है जो महीने में दो बार खुलता है कागजी कार्रवाई के लिए। हम सभी गांव वालों को एक ही शिक्षा मिली है, मजदूरी। जमींदारों के खेत हैं तो नौकरी भी मिल जाती। अस्पताल हमें चाहिए नहीं, क्योंकि आधी बीमारी तो हम लोग झाड़ फूंक से ठीक कर लेते हैं। और बिजली बत्ती तो हमें चाहिए नहीं थी, क्योंकि साहब लोगों के खेत ना सूखे इसके लिए वो 12 घंटे तो आ ही जाती है। प्रधान जी, अगर एक ग्राम प्रधान चाह ले ना तो वो पूरे गांव का नसीब बदल सकता। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ग्राम प्रधान नहीं हैं, हम प्रमुख जी का नौकर हैं। और दूसरी बात ये कि ग्राम प्रधान नहीं, एक चीज है जो इस पूरे गांव का नसीब बदल सकती है, वो नदी पे पुल। लेकिन जो बनवा सकते हैं वो बनवाएंगे नहीं, उनको जरूरत नहीं है भाई। उनको तो हमसे सिर्फ वोट चाहिए हमारा। वो तो उनको एक बोतल दारू और 500 रुपए मिल जाता है, वो काहे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे इसे। वो हमको जो मालूम था गांव के बारे में वो तो हम सब आपको बता दिए हैं, बाकी जो रणविजय भैया ये आपको बता पाएंगे। वो काम छोड़ के आए थे तो जाना पड़ेगा, नहीं तो डांट खा जाएंगे। अरे मम्मी, क्यों परेशान हो रही हूँ? कह तो रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे हमको तो वो बहुत पसंद है। अच्छा सुनो, मैं रखती हूँ। अभिमन्यु भैया सुनिए ज़रा, ये हमने ना नया फ़ोन लिया है, लेकिन इसमें सेल्फी कैसे लेते हैं हमें पता ही नहीं। अब इनसे पूछूंगी ना तो कहेंगे कि टीचरों को इतना भी नहीं आता, आप ज़रा बता देंगे। सिंपल है, देखिए ये कैमरा हुआ, सो ऐसे प्लेस करेंगे और ये बटन देखिए और ये रहा। अच्छा वो आज से हम आपको टिफिन नहीं देंगे। अरे मेरा मतलब है आज से आपको हमारे साथ ही खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, टिफिन ठीक है मतलब। अरे क्या ठीक है, एक ही घर में रह के अलग अलग खाना नॉट अलाउड। ठीक है, ओके। हेलो। हाँ मम्मी, अरे वो हमने ना आपको फोटो भेज दी है। हाँ हाँ, अभी ग्राम सचिव हैं। अरे लेकिन आईएएस के इंटरव्यू में बैठ चुके हैं, अब पीसेस तो निकाल ही लेंगे ना। अरे अभी पकड़ लेंगे तो 10 में निपट लेंगे, वरना पीसीएस लड़का 25 लाख के नीचे नहीं मिलने वाला।
लेकिन तुम चिंता ना करो, अब रोज रोज ना खाने पे बुला लिया है, अब धीरे धीरे करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी। आप एक काम करना, ये फोटो ना पापा को दिखा दीजिएगा और पीहू को भी। चलिए रखते हैं, बाय। तुमको नहीं लगता तुम हर मैटर में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हो? इन्वॉल्व होना पड़ता है, और कुछ आइडिया भी है कि अच्छा लड़का बजट में मिलना कितना मुश्किल होता है? हाँ, ये सब में तो तुम लोग अच्छे से एक्सपर्ट हो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें भी पता है कि तुम ओवर बजट थे। अच्छा बंटी, खाना खा लो आके। अरे भैया ये ना आप अचार लीजिए, मम्मी ने बनाया है, बहुत मस्त अचार है, आप खाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। अरे, बस, बस, अरे बस, और बस, लीजिए। भैया सब्जी कैसी बनी है? बहुत अच्छी। अरे अच्छी तो बनेगी, हमारी मम्मी ने जो सिखाई है। अच्छा भैया वो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मम्मी और पापा। अच्छा वो आपके भाई बहन कोई? नहीं। बहुत बढ़िया। मतलब छोटी फैमिली, अच्छी फैमिली। क्या हुआ भैया? इंडिया में कोरोना का पहला पेशेंट। अरे भैया आप खाना खाओ ना, ये न्यूज वाले ना कुछ भी बोलते हैं, और हम सब खाते पीते मजबूत लोग हैं, ऐसी अंग्रेजी बीमारियां ना हम लोग को छू भी नहीं सकती। अरे भैया आप खा, देखो सब्जी खत्म हो गई, बताओ। नहीं नहीं मैं खुद ले लूंगा, मैं खुद ले। माननीय मुख्यमंत्री जी, 21वीं सदी के भारत का एक ऐसा गाँव जो शहर के विकास क्षेत्र में होने के बावजूद बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा, इसका कारण है शहर से गांव को अलग करने वाली नदी पे पुल का ना होना। एक गांव जो शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, पुल ना होने की वजह से 65 किलोमीटर दूर कर दिया गया। यस मॉम। सुना है पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाला है, घर चले आओ, नहीं तो वहीं तुम फंस जाओगे बेटा। मामा पापा के साथ फंसने से तो कहीं भी फंसना ज्यादा अच्छा है ना। मैं ठीक हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है मामा। ऑलराइट। हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर अभी हम लोग एक क्वारंटीन सेंटर बनाना चाह रहे हैं जिले में, और रणविजय जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि वो सेंटर हम अंडमान गांव में बनाएं, और इसके इंचार्ज आप रहेंगे। लेकिन सर वो तो शहर से एकदम डिस्कनेक्टेड है। हाँ डिस्कनेक्टेड है, इसलिए तो वहां बनाना है। अगर कोई पकड़ा गया तो गंदगी शहर के बाहर रहेगी। लेकिन वहां तक सारी सुविधाएं पहुंचाना, उनको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होगी। अरे कोई शादी थोड़ी है किसी की बारात का स्वागत करना है, बेसिक जरूरतें मुहैया करा दी जाएंगी। रणविजय जी सही कह रहे हैं, आप प्लानिंग शुरू करिए, 3 दिन में सब रेडी करके रिपोर्ट करना है। और एक बात का ध्यान रखना, मैटर सीरियस है, मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व हैं। प्रशासनिक सहायता के लिए थाना प्रभारी जी हैं, आप इनसे सहायता के लिए बात कर सकते हैं। और चिकित्सा से जरूरी कोई आपको मदद चाहिए तो ये शेखर जी हैं CMO ऑफिस से। बाकी पर्सनली मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, सचिव जी को क्या दिक्कत हो, इन्हें तो अंडमान बहुत पसंद है।
यस सर, संजय स्कूल में आ गया हूँ लेकिन प्रधान कुछ ठीक नहीं रहा। क्या ठीक नहीं है? देखो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और तुम्हें तो रोज रोज जाना भी नहीं है। अरे हफ्ते में दो चार चक्कर लगा लेना, बाकी वो रणविजय जी का नौकर है, वो सब देख लेगा। सर यहाँ की हालत बहुत खराब है। इतना टेंशन मत लो, तुम फालतू में इतना टेंशन ले रहे हो। सर आप तो कह रहे थे कि मैटर बहुत सीरियस है। हाँ वो तो है ही, बट पेपर पर हम तुमको समझाते हैं कि सरकारी काम किया कैसे जाता है। हेलो सर, नहीं हो पाएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा करने के लिए किसी काबिल इंसान को भेजें। यस सर। तुम ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सर मैं लिस्ट भेजता हूं। प्रधान जी काम शुरू करें। हाँ काम शुरू करिए, हम तो तैयार ही हैं। ये बस प्रधान जी मत कहिए हमको। भैया वो अब आपकी एंट्री ना वो दूसरे वाले गेट से है, आप उधर से आ जाइए। भैया वो रस्सी के इस पर वाला एरिया आपका है और इधर वाला हमारा। प्रधानमंत्री जी ने बोला है ना सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। अच्छा वो खाना हम आपका भिजवा देंगे बंटी के हाथ से। यस बाबे, एक मिनट। भाभी बंटी तो नहीं है यहाँ पे। भैया थोड़ा आगे आइए, भैया नीचे देखिए। भैया खाना खा के वो टिफिन अपना ना इसी बकेट में डाल दीजिएगा। अरे कोई बचा लो, हमको मार डालेंगे लोग। ये तो हमारे गांव का रास्ता लग रहा साहब। ये तो बड़ी नाइंसाफी, हमारे गांव में हमारा एनकाउंटर करेंगे का जी। हेलो, अरे हम बोल रहे मार डालेंगे ये लोग हमको, ले जा रहे हमको। अरे चुप, साला चिल्ला रहा है गाड़ी में। चल भाई नीचे उतर। मालूम है यहाँ बिराने में ला के हमारा एनकाउंटर कर दो के साहब। अरे जान नहीं लेंगे तुम्हारी। जान दो, हमारी बीवी हमको बहुत प्यार करती है, मर जाएगी हमारे बिना साहब। दिमाग खराब करके रख दिया। नीचे उतर। हम नहीं उतरेंगे। नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। साला सुबह से वैसे ही दिमाग खराब है, उतरो। अंदर चलो, अंदर चलो। अरे पीठ नहीं दिखाएंगे, गोली मारनी तो सीने पर मारो। अब अंदर जाओगे एक धरे तुमको। जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ। ये बिहार से आया है और ट्रक में बैठ के आया है।
जुखाम उखाम थोड़ा बहुत है लेकिन ठीक है, देख लीजिएगा आप अपने स्तर से। अरे जबरदस्त, तुम चलो वहाँ, वो जो हॉल है ना वो खम्भे के बगल, जाओ अंदर बैठो, जाओ चलो पहला वाला। हाँ खम्भे के बगल, उसमें बैठो, मैं आता हूँ। जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ। ठीक है मैं देखता हूँ। जी जी चलो, मैं तुमको इससे गोली मारूंगा, ये बुखार नापने की मशीन है। साहब काम को बेवकूफ बना रहे हो, काम को मालूम नहीं बुखार किससे नापा जाता है। आप हाँ, बहुत दिलेर इंसान है साहब, आप हमको सच्ची सच्ची बता दो कि हमारे साथ यहाँ क्या होने वाला है। साहब तुमको यहाँ पे 14 दिन रहना है और जब सब ठीक रहेगा उसके बाद तुम्हें अपने घर चले जाना, बस। मतलब गोली सिर्फ उसको मारी जाएगी जो कोरोना पकड़ा जाएगा? क्या बकवास कर रहे हो, क्यों गोली मारी जाएगी किसी को? मतलब आपको नहीं पता, अरे चाइना में जिसका इलाज नहीं कर पा उसको गोली मार दी गई। अरे हम खुद देखे हैं। तुमने देखा है? हाँ अपनी आंखों से। हाँ चाइना में? अरे अपनी आंखों देखे व्हाट्सएप पे। आपको यकीन नहीं आ रहा, एक मिनट हम आपको दिखाते हैं। अंदर तुम्हारे लिए खास नहीं, तुम अब 14 दिन तक अपनी ये व्हाट्सएप की दुकान बंद रखो, समझे? यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है? नहीं नहीं, नहीं सबको गोली ना मारो साहब, हमको तुम्हारा बुखार नापना है, सीधे खड़े हो, सीधे एकदम सीधे। नहीं साहब हमको बहुत डर लग रहा है साहब। अगर अब तुम सीधे नहीं खड़े होगे तो मैं तुमको सही में गोली मार दूंगा, एकदम चुपचाप सीधे। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे। नहीं साहब, सर नीचे, सर नीचे। 97.4 बुखार नहीं, गोली नहीं चली। दो हाथ की दूरी रखनी है सबसे, ध्यान रहे। हल्कू हम आ गए हैं, तुमको ले जाएंगे यहां से। ए कौन है यहां? दरवाजा खोलो। क्या है? खोलो दरवाजा। ना ना ना, मना है। कौन मना किया? ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर है, सच्ची जी का ऑर्डर है। ऐसी की तैसी, मैं सच्ची जी की दरवाजा, हमको अंदर अंदर किसी को नहीं जाना है, चलो बाहर चलो। पति को तुम लोग बंदी बनाओगे तो क्या हम जाने देंगे ऐसे? बंदी कोई नहीं, चलो बाहर, हट जाओ, बाहर निकलो, बाहर चलेंगे, हट जाओ। गरीब लोग हैं लेकिन कमजोर नहीं है, समझे? जो पुलिस दरोगा बुलाना बुलाए ले। अरे सुनो तो बात तो क्या है बताओ, अंदर जाना है हमको, हमारा पति अंदर है, बुलाओ। रुको 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 रुको, नीचे नीचे उतरो। अरे हम सही हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है, हम सही हैं। तो तुम तो फोन करके बोले कि ये लोग तुमको मारे डाल रहे, जाने नहीं दे रहे। हमको गलतफहमी हो गई थी, अभी सचिव साहब को समझाए हैं कि हमको कुल यहाँ 14 दिन रहना है, उसका तुमको घर भेज देंगे, और यहाँ व्यवस्था बिल्कुल घर की तरह झमाझम है। अरे भैया यही बात तो हम इनको समझा रहे थे, लेकिन ये इतनी बिजार औरत अभी मार देती। सुनो सुनो, नीचे उतरो, पहले नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे। हमको सचिव साहब अभी अंदर समझाए हैं कि हमको कुल 14 दिन रखा जाएगा, अभी जब घर आएंगे तो तुम हमको जैसे प्यार से बाटी चोखा खिलाती हो खिला देना। आने देंगे ना ये लोग तुमको? हाँ आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कोरोना वायरस के कई संदिग्ध मामले सामने आने के बाद भारत में भी इसको लेकर टेंशन बढ़ गई है। ठीक है तुम्हें हल्का बुखार है? हाँ साहब हरारत लग रही है, 2 दिन से ट्रक में बंद रहे, इसी से हो गया होगा। इसमें तो 6 लोगों का नाम है, यहाँ पे 4 ही लोग हैं। साहब मुझे नहीं पता। प्रधान जी, जी हाय। प्रधान जी इनको इनका कमरा दिखाइए और इनको यहाँ के नियम भी समझा दीजिएगा। ठीक। और लल्लन चलो, हाल नंबर 1। ठीक हो? बस भैया बढ़िया है। ये बताओ
मियां का होए वाला है? अरे फालतू टेंशन ले रहे हो, यहाँ 14 दिन बस रहना है शांति, उसके बाद अपने घर। वहाँ कहीं कोरोना सेंटर जाए का है, हमारी तो जाने निकल गई है। अच्छा सुनो, थोड़ी दूरी बना के रखनी है, क्या है कि ये सचिव जी थोड़ा नियम कायदे कानून के बहुत सख्त है। जी मैं अभिमन्यु प्रताप बोल रहा हूँ, भोलनपुर क्वारंटीन सेंटर से। मुझे एक आदमी का कोविड टेस्ट करवाना है। है जी प्रणाम। दूसरे गांव से भी लोग आए क्या? जी जी भैया। अच्छा हाँ, ये सिहाल नंबर 1 में है। सचिव साहब हैं। डिस्टेंस ज़्यादा है तो टेस्ट नहीं होगा। देखिए जिनको सिम्टम्स हैं उनका टेस्ट करना ही पड़ेगा, तो आप प्लीज़ किसी को भेजिए। अरे पंडित जी, आप भी यहाँ? आप भी कोरोना ना मानते हैं क्या? अरे नहीं भैया, हम तो बस उसको मानते हैं, यहाँ तो बस हालतों में फंस गए हैं। अरे परेशानी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और हाँ, किसी को कोई भी परेशानी या दिक्कत हो झलुआ से बोल देना, हम देख लेंगे। ठीक है? हाँ ठीक। प्रधान जी आए। आए सचिव जी। अबे तुम कब से प्रधान जी हो गए बे? नहीं भैया, हम बताए उनको कि हम प्रधान नहीं है, लेकिन वो सचिव जी समझ नहीं पा रहे हैं। अरे वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हो? नहीं नहीं, वो समझे नहीं पा रहे हैं। प्रधान जी आए। आए 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 सचिव जी। जी सचिव साहब। प्रधान जी उस एरिया में बहुत गंदगी होगी, वहाँ पे सफाई करवानी है, किसी को बुला के करवा दीजिए। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, झलुआ खुद ही कर देगा। और हाँ, इसको इतनी इज्जत देने की भी जरूरत नहीं है, ये गांव का प्रधान ये नहीं, ग्राम प्रधान हम हैं। कोई जरूरत हो तो बताइएगा, इंस्पेक्शन के लिए आए थे। तुम राहुल हो ना? हाँ। तुम्हारे साथ तो कोई प्रकाश भी है? अबे ओ प्रकाश। हाँ भैया। यहाँ तुम दोनों का नाम तो इस क्वारंटीन सेंटर की लिस्ट में है। हाँ, वो नेपाल गए थे हम छुट्टी मनाने के लिए, रास्ते में वापस लौट ही रहे थे कि ये नौटंकी शुरू हो गई। दिक्कत की कोई बात नहीं है, मूड बना तो बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है ठीक है। जरा एक मिनट इधर आइए। एक आखिरी नियम बताना भूल गए थे कि जिसका भी नाम इस क्वारंटीन सेंटर के लिस्ट में है, अगर वो सेंटर छोड़ के जाता है तो इसकी रिपोर्ट सीधे पुलिस हाईकमान को जाएगी। फिर वो जिन जिन लोगों से मिलेगा उन सबको पुलिस इस सेंटर पे लेके आएगी। तो ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच लीजिए। कुछ समझाने आए हैं, जुबान खोलने से पहले सामने वाले का बैकग्राउंड पता कर लेना चाहिए। पहले तुम मेरा बैकग्राउंड जान लो। तो गाइज अगर आप कहानी के इस मोड़ तक आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये मूवी पसंद आ रही है। और अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए और इस मूवी को परचेज कर सकते हैं 45 रुपये में, जो कि वन टाइम फीस है, और हमेशा के लिए आप इस मूवी पर एक्सेस पा सकते हैं। और हमने इस मूवी को क्यों प्रमोट किया? जस्ट बिकॉज कि हम चाहते हैं कि अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे राइटर्स इस सिनेमा इंडस्ट्री में उतरें। इस वजह से ये जो अंडमान मूवी है मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई, क्योंकि इस मूवी का कोई हीरो नहीं है, इस मूवी के हीरो हैं आप। तो आपको ही ऐसी कहानियों को, ऐसे फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स को प्रमोट करना होगा। तो प्लीज़ जाइए और देखिए और अपने रिव्यूज़ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।